तो भाई लोग द 100 मैन कंपटीशन 2023 का जो मैच नंबर 25 है ना, इस मैच में ट्रेंट रॉकेट्स के सामने होगा बर्मिंघम फोनिक्स। अगर हम इन दोनों टीमों की बात करें तो दोनों ही टीमों की जो दुर्दशा है ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब चली। क्यों? क्योंकि ट्रेंट रॉकेट ने जो अपने 6 मैच है उसमें से बस 2 मैच जीता, 3 मैच हार गए, 1 मैच नो रिजल्ट है, इनके 5 पॉइंट्स है। बर्मिंघम फोनिक्स की बात करें तो अपने 6 मैच में से बस 1 मैच जीता, 3 मैच हारे और 2 मैच नो रिजल्ट है, इनके 4 पॉइंट्स है। दोनों टीमों को तो एहसास हो गया होगा अगर यहां से 1 या 2 मैच हार गए तो जो सफर है वो खत्म हो जाएगा द 100 मेंस 2023 का। तो भैया इतनी जल्दी अपना सफर कोई भी टीम खत्म नहीं करना चाहेगी। सफर को आगे जारी रखने के लिए ना कैसे भी करके इस मैच को जीतना पड़ेगा दोनों टीमों को। लेकिन आपको पता है ना, जीतेगा तो कोई एक, एक हारेगा तो कौन जीतेगा कौन हारेगा यही जानेंगे आज के इस वीडियो में। वैसे अगर हम इन दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो अभी तक 4 मैच खेले गए जिसमें से 1 मैच जीता ट्रेंट रॉकेट्स ने, 3 मैच जीता बर्मिंघम फोनिक्स ने। यानी जो बर्मिंघम फोनिक्स की टीम है ना वो दमदार परफॉर्मेंस करती है किसके, ट्रेंट रॉकेट्स के ऊपर। तो भैया क्या बर्मिंघम फोनिक्स फिर से करेगा मैदान फतेह ट्रेंट रॉकेट के सामने, या ट्रेंट रॉकेट्स बोलेगा इस बारी करेंगे पलटवार और लेंगे पिछली हार का बदला। वैसे अगर हम बात करें द 100 मेन कंपटीशन 2023 का, जो इससे पहले वाला मैच इनके बीच में खेला जाना था उसमें बारिश आती है, मैच धुल जाता है, नो रिजल्ट रहता है, तो ये दोनों टीमें टकराते टकराते रह गई हैं। लेकिन आज फाइनली टक्कर हो जाएगी, तो इस टक्कर में कौन सी टीम आगे निकलेगी चलो जान लेते हैं। उससे पहले भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ और आपको भी पता मैं कोई हीरो या सेलिब्रिटी नहीं हूँ, आपके बीच का रहने वाला आपका अपना भाई हूँ। तो भाई का सपोर्ट जरूर करें, करना क्या है कुछ भी नहीं, बस चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में भाई का टेलीग्राम भी तो ज्वाइन कर लो क्योंकि आपको पता है ना द 100 मेंस के अलावा 100 वुमेन्स भी चल रही, CPL चल रहा, US मास्टर T10 लीग भी चल रही है। तो इन सभी मैचों की जबरदस्त वाली प्रेडिक्शन कहाँ पर मिलेगी, मेरे टेलीग्राम पर, तो जरूर ज्वाइन करें। बस एक चीज का ध्यान दें, फेक से बचें क्योंकि मेरे नाम पे बहुत ही नकली टेलीग्राम चैनल बना लिए गए, इसलिए इधर उधर और कहीं से ज्वाइन नहीं करना। जो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जो कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट है वहां पे जो लिंक मिलेगी बस वहीं से ज्वाइन करें। तो भाई लोग ये जो मैच है ना सैटरडे 19 अगस्त इंडिया टाइम अनुसार 7:30 PM से आप इसका लाइव एक्शन देख सकते हो। यह मुकाबला खेला जाएगा ट्रेंट बिच नॉटिंघम के मैदान पे। यहां पे द 100 मेंस के इससे पहले 11 मैच खेले गए जिसमें से 7 मैच में क्या हुआ टारगेट डिफेंड, 4 मैच में क्या हुआ टारगेट चेज, मतलब यहां के मैदान पे ज्यादा मैचों में क्या होते हैं टारगेट डिफेंड होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल भी चेज नहीं होता, अगर 7 मैच में टारगेट डिफेंड हुआ तो 4 मैच में टारगेट चेज भी हुआ। एवरेज स्कोर यहां पे फर्स्ट इनिंग का 146, 146 रन टारगेट चेज की बात करें 138, 138 के नीचे स्कोर बनेगा तो 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट चेज हो सकता है। टारगेट डिफेंड की बात करें 154, 154 प्लस स्कोर बनेगा तो 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट डिफेंड हो सकता है। 138 से 154 के बीच में स्कोर होगा तो समझ जाना मामला तो बराबरी का आ गया, चेज भी हो सकता है और डिफेंड भी हो सकता है। यहाँ का जो सरफेस है ना वो ग्रोस है, इसलिए शुरू के 10-12-15 बॉल जो तेज गेंदबाज होते हैं जो उनकी बॉल होती है ना सीम के साथ स्विंग करती है, लेकिन जब एक बार बॉल की साइनिंग खत्म हो जाती है तो जो बॉल होता है बैट पे काफी ज्यादा अच्छे से आता है क्योंकि यहाँ के जो कंडीशन है वो बैटिंग कंडीशन है। बाउंड्री लेंथ की बात करें तो 62 मीटर से 77 मीटर की, मतलब ना बहुत ज्यादा बड़ी है ना बहुत ज्यादा छोटी है। जो एक्सपीरियंस गेंदबाज है उनको कुछ विकेट मिल जाता है लेकिन उसके साथ साथ थोड़ी बहुत उनकी पिटाई भी होती है, इसलिए यहाँ पे जो मैच होते हैं ना वो थोड़ा सा मीडियम स्कोरिंग होते हैं। अगर हम आज के मैच में पावर प्ले स्कोर की बात करें तो 37 से 42 के बीच में देखने को मिल सकता है, 100 बॉल स्कोर की बात करें तो 140 से 155 के बीच में देखने को मिल सकता है। अगर हम यहां के मैदान पे दोनों टीमों की परफॉर्मेंस की बात करें तो ट्रेंट रॉकेट ने अपने घर में 11 मैच खेला जिसमें से 8 मैच जीता, बस 3 मैच हारे, यानी ट्रेंट रॉकेट अपने घर में जबरदस्त परफॉर्मेंस करता है तभी तो 11 मैच में से 8 जीता बस 3 हारा। बर्मिंघम फोनिक्स की बात करें तो 2 मैच खेला, 1 जीता 1 हारा। और दोस्तों ये जो दोनों मैच बर्मिंघम ने खेले हैं इस मैदान पर ट्रेंट रॉकेट के ही सामने खेले थे, यानी बर्मिंघम की जो टीम है वो कह रही है ट्रेंट रॉकेट से हम आपके घर में जब आए अगर आपने एक बार हमें जबड़ा तो अगली बार हमने भी आपको मुंह तोड़ जवाब दिया, तभी तो 2 में से 1 आप जीता 1 हमने जीता नॉटिंघम के मैदान। भैया आज के मैच में क्या होगा चलो जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर ट्रेंट रॉकेट्स की। तो भाई लोग अगर हम इनके खेमे में चेंजेस की बात करते हैं मे बी कोई भी चेंज ना होगा, लेविस जोजरी सेम प्लेइंग 11 के साथ उतरना चाहेंगे। हालांकि जो इनकी ओपनिंग जोड़ी है ना डेविड मिलान एलेक्स हेल्स से फेल हो रहे थे तो डेविड मिलान को तो बाहर ही कर दिया गया, लेकिन एलेक्स हेल्स की बात करते बस एक ही मैच में बढ़िया बल्लेबाजी करी, बाकी सभी मैचों में फ्लॉ। लेकिन उसके बाद जो रूट आते हैं जब से आए हैं एक आता मैच हटा दिया जाए, सभी मैचों में बढ़िया बल्लेबाजी करी। टॉम कोलर कैडमोर लगातार जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे, कोहली
कोलिन मुनरो भी अपनी टीम के लिए रन बना रहे हैं। डेनियल सम से जिस तरह से फिनिश कर रहे हैं ना भाई साहब, वो तो काफी ज्यादा जबरदस्त है। बाकी अगर हम यहाँ पे सैम हैंड की बात करें तो काफी गजब की फॉर्म में, जब जब इनका नंबर आया बैटिंग के लिए इन्होंने अपने बल्ले से रन बनाए। बस मैं देखता हूँ कि इनको ना ज्यादा बल्लेबाजी का नंबर ही नहीं आ रहा, आई थिंक थोड़ा सा ऊपर भेजेंगे ना तो ये बल्लेबाज आपको बढ़िया परफॉर्मेंस करके देगा। बाकी जरूरत पड़ने पर इनके पास कप्तान लेविस जोजरी है जो ठीक ठाक बल्लेबाजी करते हैं, समित पटेल भी है जो थोड़े बहुत फिनिश कर सकते हैं। तो ओवरऑल एलेक्स हेल्स को छोड़कर अभी जो इनकी बल्लेबाजी है ना वो काफी ज्यादा बेहतर चल रही है। बाकी अगर हम इनकी गेंदबाजी की बात करें तो सैम कुक को किसी मैच में विकेट मिला, किसी मैच में नहीं मिला। विकेट मिलने के साथ साथ थोड़ा सा महंगे भी हो रहे हैं। सेम कहानी ल्यूक वुड की भी है, विकेट तो इनको भी मिल जाते हैं लेकिन इसके साथ साथ इनको भी थोड़ा सा पिटाई हो जाती है, थोड़ा सा ये भी महंगे रहते हैं। आयश सोडी की बात करें तो आयश सोडी की भी वही कहानी है, विकेट ये भी निकाल लेते हैं लेकिन साथ में ये भी थोड़ा सा पिटते रहते हैं। तो मतलब जो इनके प्रॉपर तीन तेज गेंदबाज जो एक स्पिनर्स गेंदबाज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो मतलब विकेट निकालने के साथ साथ ना थोड़ा सा महंगे साबित हो रहे हैं। इस बार इनको ना हमेशा या तो लंबा स्कोर चेज करना होता है या अगर ज्यादा स्कोर बनाया होता है तो डिफेंड करने में मुश्किल होती है। हालांकि डेनियल सब किफायती गेंदबाजी के साथ साथ विकेट भी निकाल रहे हैं। लेविस जोजरी भी मतलब बल्ले से भले कुछ योगदान ना दिया लेकिन गेंदबाजी बहुत ज्यादा अच्छी कर रहे हैं। और जो रूट भी किसी किसी मैच में आते हैं, हाथ आजमाते हैं और विकेट निकाल के ले जाते हैं। मतलब जो इनके ऑलराउंडर है वो बढ़िया किफायती रहने के साथ साथ विकेट भी निकाल लें, लेकिन जो इनके प्रॉपर गेंदबाज है वो विकेट तो निकाल लें लेकिन थोड़ा सा महंगे भी साबित हो रहे हैं। इसलिए ना जो इनकी दुर्दशा है ना वो थोड़ी सी खराब चल रही है। बाकी अगर हम यहाँ पे बिर्मिंघम फोनिक्स की बात करें तो भाई साहब जो इनकी दुर्दशा है ना वो तो और भी ज़्यादा खराब है, क्योंकि बिल स्मिथ की बात करें एक आधा मैच में चले, बाकी सभी मैचों में फ्लॉ। बेन डकेट की बात करें शुरुआत अच्छी मिलती, 20-25 रन 35 रन बनाते, लंबी पारी नहीं खेल पा रहे। जैमी स्मिथ की बात करें तो एक आता मैच में चले, बाकी सभी मैचों में फ्लॉप। लियाम लिविंगस्टन की बात करें तो इनको भी शुरुआत मिल रही, 20-25 रन बना रहे लेकिन लंबी पारी ना खेल पा रहे। मोइन अली की बात करें तो एक आता मैच में बल्ले से रन निकले, बाकी सभी मैचों में फ्लॉप। डेन माउसली की बात कर ले या बेनी हॉवेल की बात कर ले तो पहली बार बल्लेबाजी का नंबर कम आया, भी जब आया तो कुछ कर ना पाया। तो मतलब अगर हम यहाँ पे देखें तो बल्लेबाजी में ऐसे ऐसे बल्लेबाज के नाम दिख रहा है ना, आपको लगेगा भैया ये तो अकेले मैच को खत्म कर देंगे, लेकिन उतने अच्छे फॉर्म में कोई नहीं है। सभी बल्लेबाज इनके थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी इनकी ठीक ठाक चल रही है, क्योंकि केन रिचर्डसन बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, एडम मिलने भी ठीक ठाक गेंदबाजी कर रहे हैं, हालांकि एडम मिलने को थोड़ा सा रन पड़ जाता है। लेकिन बेनी हॉवेल जिस तरह से मिडिल में आते किफायती गेंदबाजी करके विकेट भी निकाल के जाते हैं। तनवीर पिछले मैच में आए, बढ़िया गेंदबाजी करी। क्रिस वॉक्स के आने के बाद इनकी गेंदबाजी थोड़ा सा और मजबूत हुई, साथ में लियाम लिविंगस्टन, मोइन अली ये भी ऑलराउंडर परफॉर्मेंस करके देते हैं, मतलब बढ़िया गेंदबाजी कर देते हैं। तो गेंदबाजी इनकी ठीक ठाक चल रही क्योंकि ऑप्शन है, लेकिन क्या करें गेंदबाज कब कहां से मैच जीता है, जब बल्लेबाज बिल्कुल भी रन ना बनाएंगे तो गेंदबाज कितना भी कुछ कर ले मैच तो हारना पड़ेगा ना। तो इनकी बल्लेबाजी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है। बिर्मिंघम फोनिक्स की गेंदबाजी तब भी थोड़ा बहुत बेहतर ही चल रही है। अगर हम इन दोनों टीमों के लास्ट 6 मैच के बिहार पे कंपैरिजन करें तो ट्रेंट रॉकेट्स ने अपने लास्ट के 6 मैच में 3 मैच जीता, 3 मैच हारे, मतलब एक जीत रहे हैं एक हार रहे हैं। इस दौरान जो इनका बल्लेबाजी एवरेज है 135 रनों का, जिसे हम बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कहेंगे। गेंदबाजी एवरेज की बात करते 8.73 ना, ये भी ठीक ठाक कह सकते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे जो ट्रेंट रॉकेट्स की टीम है ना, इनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक है, ना बहुत ज्यादा अच्छी है ना बहुत ज्यादा खराब है, तभी एक मैच जीत रहे हैं एक मैच हार रहे हैं। बिर्मिंघम फोनिक्स की बात करें तो इन्होंने अपने लास्ट के 6 मैच में 2 मैच जीता 4 मैच हारे। इस दौरान जो इनका बल्लेबाजी एवरेज है 145 रनों का, जो कि बढ़िया होता है, फिर 6 में से 2 क्यों जीता 4 क्यों हारे, क्योंकि जो गेंदबाजी एवरेज है ना वो 8.24 है, ये भी ठीक ठाक है। तो मतलब थोड़ा सा एवरेज बल्लेबाजी में गेंदबाजी चल रही, तभी लास्ट के 6 मैच में 2 जीता 4 हारे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो रिजल्ट में जो ट्रेंट रॉकेट्स की टीम है वो थोड़ा सा बिर्मिंघम फोनिक्स से बेहतर नजर आ रही है, लेकिन बल्लेबाजी एवरेज की बात करें तो यहाँ पे जो बिर्मिंघम फोनिक्स है वो ट्रेंट रॉकेट्स से थोड़ा सा बेहतर नजर आ रही है। लेकिन पिछले सीजन की बात है, इस सीजन तो ट्रेंट ज्यादा बढ़िया बल्लेबाजी कर रही है अकॉर्डिंग बिर्मिंघम। गेंदबाजी की बात करें तो यहाँ पे जो मामला है वो थोड़ा सा बराबरी का नजर आ रहा था। भैया आज के मैच में क्या होगा, कौन सी टीम है जो मैच उड़ा के ले जाएगी और जीतेगी, चलो जानते हैं। बस उससे पहले भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, आपको ये भी पता है मैं कोई हीरो या सेलिब्रिटी नहीं हूँ, आपके बीच का रहने वाला आपका अपना भाई हूँ। तो भाई का सपोर्ट जरूर करें, करना क्या है कुछ भी नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब करना, इतना तो कर सकते हैं ना। तो भाई लोग सारी एनालिसिस करने के बाद अगर हम इस मैच की बात करें, जो मैच है ना वो तो मुझे बराबरी पे नजर आ रहा, 50 ट्रेंट रॉकेट्स एंड 50 बिर्मिंघम फोनिक्स। लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है जो मैच है ना ट्रेंट रॉकेट अपने नाम पे कर सकता है। देखो जो फाइनल प्रेडिक्शन है ना वो मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी, तो जरूर ज्वाइन कर ले। और आपको तो ये भी पता है ना, द 100 मेंस के अलावा 100 वुमेन्स भी चल रही है, सीपीएल चल रहा है, यूएस
मास्टर T10 लीग चल रही थी, इन सभी मैचों की जो जबरदस्त प्रेडिक्शन है ना वो भी टेलीग्राम पे मिल जाती, तो जरूर ज्वाइन करें। बस फेक से बचे क्योंकि मेरे नाम पे बहुत ही नकली टेलीग्राम चैनल बना लिया गया, इसलिए इधर उधर और कहीं से ज्वाइन नहीं करना। जो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जो कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट है वहाँ पर जो लिंक मिलेगी बस वहीं से ज्वाइन करें। तो भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच की प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।